सेक्शन में हम मेनली टॉपिक में क्या याद रखेंगे बेटा, ये पूरा पेज अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से दो तीन बार पढ़ेंगे। ओके, तो हम क्या करने वाले थे बेटा, कभी एसेंट टू डिसेंट का ये ऑर्डर क्यों है, 1 degree 2 degree 3rd degree, यानी 1 degree लेने से रिएक्शन एकदम इजीली हो जाएगी, 2 degree लेने से थोड़ी दिक्कत आएगी, और 3rd degree से तो बहुत ही दिक्कत आएगी बेटा, सपोज होने वाला नहीं, तो ऐसा क्यों, तो बात करते ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, क्योंकि ऐसे रिएक्टिविटी क्यों है, यस स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। चलो हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, राइट, ये 1 degree और 3rd degree 2 degree मैंने नहीं ली। चलो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, इसका 3D स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। चलो अब अपना न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करने का आएगा, अगर आपकी बेंचिस पर ऑलरेडी 3 अट्टे कट्टे जगह ले चुके बैठे हो, तो चौथे को आने के लिए क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे देखो 3 H है, तो H तो बेचारे बहुत ही पुअर है, बहुत ही वीक है, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो H तो क्या बेटा इत्तर बित्तर हो जाएगी, और अपने न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अटैक कहाँ से करेंगे, कटप्पा, राइट, यहाँ से नहीं करेंगे, जिस साइड हैलोजन वहां से नहीं करेंगे, पीछे से अटैक करेंगे, तो यहाँ पे अटैकिंग क्या हो सकता है बेटा, इजीली कर सकते हैं। चलो यहाँ पे 1 methyl ग्रुप है बेटा, तो अटैक करने से न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आएगा तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस इसको क्या करेगा, रेजिस्टेंट करेगा बेटा। और इसके पास देखो 3 methyl ग्रुप है बेटा, राइट, तो इसमें क्या होगा बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस SH बहुत ही ज्यादा है बेटा, तो रिएक्शन यहाँ पे होने में दिक्कत आएगी, तो इसको लिए 1 degree 2 degree और 3rd degree बोलते हैं, राइट। तो हमारा ये SN1 टॉपिक खत्म हो गए, राइट। चलो अब बारी आती है SN1, SN1 भी कंप्लीट कर ही देते हैं। चलो SN2 फिर से, SN2 वाला रिएक्शन कितने स्टेप में होगा, यस 1 step में होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितने रिएजेंट पर डिपेंडेंट होगा, सर दोनों यानी हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों, और इसके लिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए बेटा, एप्रोटिक यानी एसीटोन कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप रिएक्शन कर सकते हो, अच्छा प्रोटिक में कर सकते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। चलो अब बारी आती है SN1, सर प्रोटिक नो मतलब पाचो समझा दो ना, ये रहा। चलो व्हाट मीनिंग ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो जो प्रोटीन जो सॉल्वेंट हमको क्या दे सकता है बेटा, H+ डोनेट कर सकता है, अदरवाइज वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इन शॉर्ट वीक एसिड, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन ही क्या है, तो H+ डोनेट करता है, और जिसके पास H+ हो तो वो क्या करेगा बेटा, ऑलवेज हाइड्रोजन, अगर उसके पास H+ नहीं हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने भी हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का क्राइटेरिया क्या बेटा, FON, राइट, क्लियर। तो जिसके पास H+ डोनेट करने के लिए है या हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट, उसको फुल फॉर्म में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो अब बारी आती है SN1, चलो SN1 भी कंप्लीट कर देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस એટલે એક્ઝેક્ટલી થાય શું છે, સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ એટલે શું થાય બેટા, ખબર, ચલો ઇસ કાર્બન કો પ્રોટેક્ટ કોણ કરેગા, હાઇડ્રોજન પ્રોટેક્ટ કર દે, રાઈટ, તો ઇસકે પાસ તો જેટ સિક્યુરિટી હૈ નહીં બેટા, હાઇડ્રોજન તો બિચારે બહુત હી વીક હૈ, તો અગર ઇસ પર કોઈ અટેક કરના આયેગા તો ક્યા કરેંગે, હાઇડ્રોજન જગા દે દેંગે, તો ઉસકો ક્યા બોલેગે, સ્ટેરિક હિન્ડ્રન્સ, સ્ટેરિક મીન્સ કે અપને આજુબાજુ જો સ્પેસ હોતી હૈ वहां पे कौन कौन खड़ा है, इस कार्बन को क्या कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हेलोजन, तो अपने मामा कटप्पा यहाँ से तो अटैक करेंगे नहीं बेटा, तो अटैक यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से अटैक करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन उसका कुछ अपोज नहीं कर सकते,
और यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड आएगा ना बेटा। और ऑलरेडी मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ओनली फॉर आर लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, इसके आजू बाजू एस्टर होगा ना बेटा, राइट। अगर यहाँ से यहाँ पे देखो, चलो ये कार्बन है राइट, ये वाला स्ट्रक्चर वाला, इसके पास हेलोजन है। चलो यहाँ पे मिथाइल है, मिथाइल यानी ये हुआ, यहाँ भी मिथाइल हुआ, यहाँ भी मिथाइल हुआ, तो ये कैसा बल्की ग्रुप हो गया बेटा, अपने आजू बाजू में बल्की ग्रुप है देखो। तो नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जगह तो स्पेस है नहीं इसके पास, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्टेरिक, स्टेरिक मीन्स अवकाश, आजू अपने आजू बाजू का स्पेस, अने हिंड्रेंस में क्या करना, अपोज करना, राइट। आप फिजिक्स में बात करते हैं आर, अवरोध, रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में हम हिंड्रेंस। डन, ओके, क्लियर। हाँ ओके, तो अब बारी आती है SN1। अगर आपको SN2 में कंसेप्ट क्लियर है तो SN1 में तो कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। चलो क्या होगा, चलो और ये SN2 वन स्टेप में होती थी और टू स्टेप में होगी, वहां पे बायो मोलिक्यूल थे, यहाँ पे यूनि मोलिक्यूल हो गए, राइट। चलो नाम तो मैंने लिख दिया SN1, 1 का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ ऑर्डर 1 होगा, और ये रिएक्शन 2 और 3 स्टेप में होगी। 3 स्टेप में कब होगी वो बाद में बात करेंगे। चलो इसके लिए रेट ऑफ ऑर्डर क्या होगा, इसके ऑर्डर से रिवर्स होगा, इसीलिए मैंने जो यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो थर्ड डिग्री का है, देखो टर्सरी है, बीयर वाला कार्बन दूसरे कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है बेटा, 3, राइट। चलो यहाँ पे CA3 इलेक्ट्रोफिलिक छे, एज रीजन है ना तेमो बेटा, आज थर्ड रिएक्शन વધારે પેલું છે ફિઝાઇબલ, એ CH3 ઇલેક્ટ્રોફિલિક છે એના લીધે જ હોય ને? ના ના, આવશે આવશે બેટા, આવશે, આની વાત કરો, ઇસકી વાત કરો? હા હા સર, આતા આતા અભી તો પડા રહો બેટા, પડા રહો, હા ઓકે સર, ચલો રાઈટ। મેને યહાં પે થર્ડ ડિગ્રી લિયા, રાઈટ રાઈટ, SN2 મે મેને 1 ડિગ્રી લિયા થા, રાઈટ ને, દેખો 1 ડિગ્રી વાલા એક્ઝામ્પલ લિયા થા મેને, દેખો યહાં યે રહા દેખો, राइट। और आपकी पूरी मैकेनिज्म आपको स्टडी करवाई थी। अब SN1 के लिए मैं क्या लूंगा बेटा, 1 डिग्री तो नहीं, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर है, थर्ड डिग्री, तो मैंने थर्ड डिग्री लिया, चलो OH से अटैक करवाया, और यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो क्या लिखा बेटा, सॉल्वेंट कौन सा लिया बेटा, प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात, BR का रिप्लेसमेंट OH से होगा, चलो प्रोडक्ट का नाम बोल सकते हो, राइट। पेंशन नहीं आई, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, ये वाली होगी, 2-methyl-propane-2-ol, डन। चलो ओके, कोई बात नहीं। तो अब मैकेनिज्म की बात करते, चलो ये रिएक्शन SN1 है तो कितने स्टेप में होगी बेटा, 2 स्टेप में, 2 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप। तो चलो मिले, यहाँ पे क्या होगा, जाने वाला चला जाएगा, थोड़ी देर बाद आने वाला आएगा बेटा, यानी 2 स्टेप में हो गए। चलो पहले मैंने फिर से रेड कौन सा वाला लिया, टर्सरी हेलो एल्केन लिया बेटा, चलो स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया है रेड। चलो यहाँ पे पहले क्या होगा बेटा, चलो आपने पास प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, यानी H2O अल्कोहल एसीटोन रेड, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा, क्रिएट मीन्स एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। चलो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो BR नेगेटिव आयन चला जाएगा, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। चलो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, चेक करो चेक करो चेक करो। अब कार्बन में बस सिग्मा बॉन्ड के लिए 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp2, और इसकी एक ऑर्बिट क्या होगी बेटा, वैकेंट होगी, PZ। चलो डन, क्लियर। और ये रिएक्शन, ये स्टेप क्या बेटा, ये रिएक्शन स्लो है, वाई स्लो, तो मैंने यहाँ लिखा है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ऑलरेडी ये स्टेबल था और ये अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है बेटा, तो जब किसी एटम या मॉलिक्यूल्स पर चार्ज होगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमेशा दर्द ही दे
देगा बेटा तो अनस्टेबल है, तो स्टेबल में से अनस्टेबल, तो सिंपल सी बात है बेटा, इसका स्लो रिएक्शन स्टेप स्लो होगा और हमको मालूम है, उसी को हम आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप। चलो ओके, जाने वाला चला गया, बीआर चला गया। चलो स्टेप नंबर टू, अब अपना ओएच अटैक कर सकता है देखो, और अटैक करने के लिए अब इसको क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सर इजीली एकदम इजीली फास्ट हो जाएगा देखो फास्ट। अब इस पर चार्ज ही नहीं, जो अनस्टेबल में से स्टेबल हो गए। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने की, अपना ये ओएच है राइट, चलो लेफ्ट साइड से अटैक कर सकता है या राइट साइड से, तो मतलब ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और ये लियो भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें काइरल कार्बन मस्ट भी, अगर काइरल कार्बन होता तो ये डेक्स्ट्रो लियो मिलता, यानी 50% डेक्स्ट्रो मिलता और 50% लियो मिलता, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेसेमिक मिक्सर बोलेंगे। और रेसेमिक मिक्सर ऑलवेज काइरल कार्बन होने के बाद भी नॉन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि अगर रेसेमिक मिक्सर में से आपने पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट पास की, तो उसको क्या होगा, इससे प्लस रोटेशन होगा और इससे नेगेटिव रोटेशन, जितना प्लस उतना ही नेगेटिव, यानी जीरो हो जाएगा रिजल्टेंट, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेसेमिक मिक्सचर राइट। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, तो सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, कहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा बेटा, थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है राइट, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और आर ऑलरेडी कौन सा वाला सो दिखा, प्लस आई इफेक्ट बेटा, तो ये लोग क्या करेंगे, उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो अच्छे फ्रेंड होने से क्या होता है बेटा, उसके चार्ज में थोड़ा कम होगा, यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसके साथ क्या होगा बेटा, फास्ट होगा, इसके साथ स्लो होगा, और 1 डिग्री के साथ SN1 रिएक्शन नहीं होगी राइट। तो ये बात थी हमारी SN1 और SN2 राइट। यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म होता है, अब आपकी डिफिकल्टी स्टार्ट होती है, बोलो तो क्या कर सकता बेटा, अगर ये जाएगा तभी आएगा ना, तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगी राइट, क्लियर। और आपको आपको पता भी हो चल जाएगा कि अगर आपके पास हेलो एल्केन 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को 1 से तो क्या बेटा, दुश्मनी है, तो 1 डिग्री किसके साथ होगी बेटा, SN2 के साथ होगी, और 3rd डिग्री SN1 के साथ होगी। अगर SN1 है तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, और 2 स्टेप में होने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनाने के लिए आपको प्रोटिक सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब क्राइटेरिया, अगर कोई रिएक्शन दिया इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया है आपको राइट, और 3rd डिग्री दे दिया है, तो आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पे आएगा, 2 डिग्री में। देखो 2 डिग्री में तो सब में एक जैसा ही, देखो 2 डिग्री देखो बनने, तब आपको कैसा पता चलेगा कि इसमें SN1 है और SN2 होगा, बोलो। चलो आप बोलो, गेस करो, चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो तो कैसे पता चलेगा बेटा, मैंने 2 डिग्री दे दिया है ना। अगर आपको 3 डिग्री और 1 डिग्री एग्जाम्पल दे दिया, बोल देंगे सर 3rd डिग्री SN1 और 1 डिग्री तो SN2, लेकिन मैंने 2 डिग्री वाला कंपाउंड दे दिया और बोला इसमें SN1 हो गया और SN2 हो गया, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, बोलो। जिसको एक क्वेश्चन आएगा वो JEE नीट में क्रैक कर सकता है, बोलो टास्क। कैसे पता करोगे अगर 2 डिग्री दे दिया, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस थी बेटा 2 डिग्री में तो सेम टू सेम होगा ना, 2 डिग्री का मतलब 2 डिग्री का ऑर्डर क्या है बेटा, SN1 और SN2 में जो इक्वल है, देखो इक्वल है, बीच में ही आता दोनों के, तो आपको वैसे कैसे पता चलेगा कि इसमें SN1 ही होगा या SN2 होगा, बोलो। एक स्टेप थी थे तो SN2 अने वधारे स्टेप लागे तो SN1। ना, नॉट रॉन्ग, मैकेनिज्म सर, मैकेनिज्म मैंने कुछ दिया ही नहीं आपको, अरे मतलब एक जाइने बीजू एक आवे तो SN2 एवी रहता,
બેટા મેં એવું કશું તમને આપ્યું નથી, મેં તો તમને ખાલી રિએક્શન આપી દીધી છે, 2 ડિગ્રી આપેલું છે અને ઓએ છોડે એટેક કરવા આવ્યો. ઓકે તો એસએન 1 થશે કે એસએન 2 થશે બોલો. ક્વેશ્ચન માં જ કઈ હિન્ટ આપી દીધી હશે પણ બોલે કઈ હિન્ટ છે એ તો શોધવાની છે. બોલો એ હિન્ટ કઈ આપી હશે? ન્યુક્લિયોફાઇલ આપ્યો હશે કાં તો ઓએસ આપ્યો હશે. क्वेश्चन दिया देखो. चलो कोई 2 डिग्री का कोई एक कंपाउंड लिया है. 1 मिनट वेट. चलो आवाज सुनाई दे रही. हेलो हेलो हेलो. यस हाँ सर. अरे ना हाँ चलो ओके ओके. तो आपको पता कैसे? चलो मैंने ये दे दिया है, सपोज ये 2 डिग्री दिया है प्लस कोई भी न्यूक्लियोफाइल दिया है राइट. और आपको बोला है कि चलो एसएन 1 हो गया एसएन 2. अगर यहाँ पे मैंने 1 डिग्री वो लिखा होता तो आप बोलते सर 1 को तो 1 से दुश्मनी है तो ये एसएन 2 होगा. अगर यहाँ पे 3 डिग्री दिया होता एस एन 1 बोल सकते थे लेकिन मैंने यहाँ 2 डिग्री दिया है तो यहाँ पे मेरे को क्या एक चीज देनी चाहिए तब पता कर सकते हो सर ये रिएक्शन एस एन 1 और एस एन 2 होगी. बोलो इसमें कुछ मैंने नहीं दिया है वो मेरे को क्या हिंट देनी चाहिए बोलो. लिंकेज माटेनो कदक थी बोलो आयोनिक बॉन्ड थे के कोवेलेंट बॉन्ड. नो रॉन्ग. एवरेज स्टूडेंट और रैंकर में यही बेटा डिफरेंस होता है. चलो बोलो. क्या हिंट मेरे को देनी चाहिए? चलो काउंट डाउन 10 तक गिनती चालू करता हूँ. 10, 9, 8, 7, 6, 5. बोल दू जस. हेलो ये रहा आंसर. क्या है बोलो तुम? प्रोटिक वाड़ू. यस समझ में आया. हाँ. अगर मैंने प्रोटिक सॉल्यूशन दे दिया है तो आप बोल दोगे सर प्रोटिक सॉल्यूशन मिली इसमें 1 एसएन 1 में क्या होना चाहिए बेटा? 1 ब्रेक होने लिए एनर्जी तो चाहिए कि नहीं तो एनर्जी कहाँ से लोगे? तो अगर आपने पास प्रोटिक सॉल्यूशन लिया सॉल्वेंट लिया तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा या एच प्लस रिलीज होगा राइट. तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होगा बेटा? 1 क्रिएट होगा तो उसी एनर्जी से ये बीआर वाला जाएगा. अगर मैंने प्रोटिक सॉल्यूशन दिया है तो सिंपल सी बात है राइट. रिएक्शन 2 स्टेप में होगी. और नॉन प्रोटिक दिया है तो सिंपल सी बात एसएन 2. ओके कम्प्लीट. तो यहाँ पे एसएन 1 और एसएन 2 कम्प्लीट. चलो बाद में आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन. चलो कल यही टाइम आएगा. ओके डन. अब कोई अगर चेंज होगा तभी देखेंगे अदरवाइज नहीं राइट. फ्राइडे तक यही चेंज आएगा. फ्राइडे तक यही टाइम टेबल रहेगा. सैटरडे स्कूल स्टार्ट हो रही है हमारे लिए तो हम सैटरडे स्कूल जाने वाले हैं राइट. फिर बाद में देखेंगे. संडे भी लेक्चर रहेगा और सैटरडे रात को रखेंगे. ओके बाय. एनी प्रॉब्लम? नो.